रुख कर रहे हैं गौरेला की ओर, जहां से अगली खबर। पुलिस और गौरेला जिला प्रशासन ने रविवार को अवैध धान भंडारण यार्ड में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम लगभग 2 ट्रक अवैध धान रखे यार्ड को सील कर कार्रवाई में जुटी है। यह पूरा मामला मरवाही के लरकेनी गांव स्थित संचालित साई एग्रो राइस मिल का है, जहां पुलिस और गौरेला जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 7,800 बोरी रखे अवैध धान के यार्ड को सील कर दिया है। इस मामले में प्रशासन का कहना है कि नियम विरुद्ध राइस मिलर द्वारा शासन के धान को अलग से यार्ड बनाकर रखा गया है, जो पूरी तरह नियम के विरुद्ध है। मामले में सीलिंग की कार्रवाई कर अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेजने की बात कही गई है। इस प्रकार है कि लड़केनी में मरवाही लड़केनी में एक राइस मिल है श्री साई एग्रो करके, उनके द्वारा ये बताया गया है कि भाई उनके राइस मिल में जगह कम होने के कारण उन्होंने अतिरिक्त जगह पर स्टॉक किया हुआ है कस्टम मिलिंग के लिए प्राप्त धान को, जो कि नियम विरुद्ध है। प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है कि नियम विरुद्ध है, इसलिए सीलिंग की कार्रवाई की गई है। यहाँ लगभग 7800 बोरे धान पाया गया, साथ ही 2 ट्रक पाई गई है। सीलिंग उपरांत अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी। इस तरह की अगर बात है तो इसकी कार्रवाई की जाएगी, इसके ऊपर एक बार देखा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के उपरांत अगर ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो कार्रवाई की जाएगी, सुनिश्चित करेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।